तो ये है बॉक्स दोस्तों, इसके अंदर है हमारे पास LED इंडिकेटर जो हमने अपनी बाइक के लिए बाय की है। ये हमारे पास स्प्लेंडर प्लस बाइक है, आप चाहो तो इसको किसी भी और बाइक के लिए भी बाय कर सकते हो। अभी मैं फटाफट इसको बॉक्स ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं इसके अंदर जो इंडिकेटर है वो किस तरीके के हैं, और उसके बाद में हम इनको टेस्ट करने वाले हैं अपनी बाइक पे इंस्टॉल करके। ओके, तो बॉक्स जो है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का है भाई, और यहाँ पे ये बॉक्स है एल्ट्रॉन टर्बो के, हमने यहाँ पे ये LED इंडिकेटर मंगवाए हैं, और 999 यहाँ पे MRP है और 1 यूनिट है। अभी देखते हैं, वो भी कुछ मेंशन है नहीं। ओके, बॉक्सिंग मतलब पैकेजिंग वगैरह है ना, काफ़ी सही लगी मेरे को, और इसको हम फटाफट ओपन कर लेते हैं। ओके, तो बॉक्स हमने ओपन कर लिया, और यहाँ पे ये इंडिकेटर हैं, दो यहाँ पे हैं और दो नीचे यहाँ पे, टोटल 4 क्वांटिटी है यहाँ पे, और इंडिकेटर हैं वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ओपन करते हैं सबसे पहले इसको, और यहाँ पे आपको एल्ट्रॉन टर्बो की ब्रांडिंग मिल जाती है देखने को। केबल की लेंथ है वो ठीक है, केबल जो यहाँ पर दी गई है वायर, ये भाई बिल्कुल ही पतली है, तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होती तो बेटर रहता। यहाँ पे ये स्क्रू दिया गया है, और यहाँ पे ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो ये जल्दी टूटने वाले भी नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में, और लुक को डिज़ाइन वगैरह भी काफ़ी अच्छा है इनका। तो अभी हम इनको इंस्टॉल करते हैं बाइक पे, और उसके बाद में देखते हैं इनकी क्वालिटी वगैरह कैसी है, और मतलब ओवरऑल में लाइट कैसी आ रही है। तो अभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो इंडिकेटर है वो किस तरीके से ग्लो कर रहे हैं, जो इसके साथ में आते हैं स्प्लेंडर प्लस के। तो ये वाले अब हम चेंज कर देंगे, तो फ्रंट से भी थोड़ा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि फ्रंट से कैसे लग रहे हैं ये। अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, फ्रंट से कुछ ऐसे ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। अभी बाइक वो उसकी भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ब्लैक कलर में भाई काफ़ी प्यारी लग रही है। ओके, तो अभी हम फटाफट इसको चेंज कर देता हूँ मैं, और फिर आपको दिखाता हूँ। और चेंज करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है भाई, बिल्कुल सिंपल सा है, आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, ये देखिए आप, ये जो इंडिकेटर है इसकी केबल है ना काफ़ी ज़्यादा छोटी है भाई, अगर ये यहाँ पे लग जाएगा तो ये पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो केबल है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लेंथ चाहिए, देखिए आप, यहाँ तक जाने के लिए, ठीक है। अब इसको लगाओगे तो भाई कैसे लगेगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, मतलब क्या सोच के दिए इतनी छोटी वायर इनकी, कैसे आएंगे ये, अब यहाँ से ये कैसे लगेगा। अब ये देखो भाई, इसकी वायर की क्वालिटी इतनी घटिया, इसकी जो पिन लगी हुई हैं, ये जो रेड कलर वाली आप देखिए, ये निकल गई, इसमें से मैं पिन निकाल रहा था खींच के, तो भाई ये वायर ही निकल गई इसकी, इतनी बैड क्वालिटी से ये यहाँ पे जॉइंट किए गए हैं, क्या ही क्वालिटी दी गई यार, ना तो लेंथ है पूरी इसकी वायर की, और क्वालिटी इसकी बेकार है। प्राइस के हिसाब से ये ठीक है, बट फिर भी यार कम से कम जो ज़रूरत की चीज़ है वो तो दो इसमें, ये थोड़ी है अभी ये आप थोड़े कम प्राइस में दे रहे हो, बेच रहे हो, तो इसका मतलब आप कुछ भी इसमें वायर ही ना दोगे फिर तो, आप कल को ये स्क्रू नहीं दोगे, आप कहोगे भी खुद से लगाओ, हम तो सस्ते में दे रहे हैं, फिर किस लिए बना रहे हो प्रोडक्ट, कम से कम कंप्लीट तो करो, चाहे पैसा जितना लगना है वो तो लगेगा भाई, सस्ते के चक्कर में घटिया चीज़ें क्यों दे रहे हो भाई। हाँ, तो एक चीज़ और था मेरे को आपको शो करनी थी भाई, यहाँ पर आप देखिए ये जो पिन दी गई है यहाँ पर, ठीक है, रबर की कैप दी गई है इनकी सेफ्टी के लिए, ठीक है। अब ये तीन जो इसमें इंडिकेटर दिए गए उसमें तो दे दी, ये जो फोर्थ वाला है इसमें दी ही नहीं है, मतलब इस तरीके से इसकी पैकिंग की गई है, इस तरीके से बनाए गए हैं इनको, कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो इनमें दे रहे हैं वो सब में कंप्लीट ही नहीं कर रहे, मतलब पैकेजिंग वगैरह अच्छी दे रहे हो, इंडिकेटर बना रहे हो, तो फिर इसका मतलब क्या है, वो सब कम्प्लीट हो गया आपका काम, बाकी चीज़ें कहाँ कैसे करोगे भाई। एल्ट्रॉन टर्बो का एक्सपीरियंस बढ़िया होना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैंने इससे पहले भाई यहाँ पे ये स्विच भी मंगवाया हुआ है इनका, और नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है और सही भी है। अभी थोड़ी दिक्कत तो आने लगी है, क्योंकि इसमें शायद पानी वगैरह या फिर थोड़ा धूल मिट्टी की वजह से ये थोड़ा टाइट हो गया यहाँ से, बट ठीक है, अच्छा है ओवरऑल, मेरे को सही लगा। बट ये तो भाई बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है, लगाने से पहले ही काम नहीं कर रहे ढंग से ये। अभी चलो इसको यूज़ करके दिखाता हूँ ये चलते कैसे हैं, अभी एक बार मैं कनेक्ट करता हूँ इनको। तो यहाँ पे इंडिकेटर वो कनेक्ट हो चुके हैं, स्विच ऑन करते हैं, ऑन ही है, अब इनको मैं इंडिकेटर को ऑन करता हूँ, आप देख लीजिए। तो जो लाइट है वो तो काफ़ी ज़्यादा है इसमें, और अच्छे से ये दिखते हैं,
डे टाइम में भी, अगर आप दूर से भी थोड़ा देखेंगे तो सही दिखते हैं भाई। तो मतलब अगर ये छोटे साइज़ के हैं ना तो काफ़ी अच्छे लगे, कूल लगे बाइक को, बट भाई मैं इनको कोशिश करूँगा वापस करने की, मैं इनको यूज़ करूँगा नहीं, क्योंकि भाई मेरा एक्सपीरियंस ख़राब है बिल्कुल इनके साथ अभी के लिए। अभी देखते हैं वापस करते हैं भाई, तो क्योंकि पता है यार अब ये यूज़ कर लूँ, एक तो वायर छोटी है, अब इनको मैं आपको इनकी वायर दिखाता हूँ, ये देखिए कितनी ज़्यादा पतली वायर है, वहीं पर जो ओरिजिनल वाले इनकी वायर देखो कितनी ज़्यादा है, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा यहाँ पे इनकी मोटाई, मतलब इतनी घटिया क्वालिटी की वायर लगा रखी है इसके अंदर, और लेंथ भी नहीं है बिल्कुल भी। अब यहाँ पे इंडिकेटर में लगा करके बंदा कैसे लगाएगा इनको, कैसे कनेक्ट करे ये बताओ आप। अब ये बंद कैसे हो गया, अच्छा वो सॉरी इसकी वायर हिल गई, ओके चल रहे हैं, जो अच्छे हैं देखने में भी अच्छे लगे हैं बाइक पर, बट भाई एक तो लेंथ नहीं है वायर की, बहुत ही पतली वायर लगी हुई इनमें, और यहाँ पे जो कनेक्टर हैं वो भी सही से नहीं लगे हैं भाई इनके, वो हट चुके हैं, बताओ कैसे क्या यूज़ करेगा बंदा कोई। तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँ कि आप ये जो 350 रुपये में एल्ट्रॉन टर्बो वाले जो इंडिकेटर हैं वो बाय करो, आप बाय कर सकते हो अगर आप सच में आप पैसे नहीं लगाना चाहते, देन आप बाय करो, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है इनको बाय करने का, क्योंकि बहुत ही बेकार क्वालिटी है ओवरऑल, सिर्फ पैसे की वजह से ये नहीं देख सकते कि सस्ते में मिल रहे हैं, बट बाकी चीज़ें भी तो क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है। पैसे ज़्यादा लगाने हैं तो 1000 से 1200 रुपये तक आपको हीरो के एक्सट्रीम 160R वाले मिल जाएंगे इंडिकेटर, वो इससे भी ज़्यादा छोटे हैं, स्लिम हैं, वो आप अपनी बाइक पे यूज़ कर सकते हो, काफ़ी मस्त चलेंगे। तो चलिए दोस्तों बस इतना ही इस वाली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।